तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एडवांस एक्सेल फॉर्मूले में इफ फॉर्मूला की। इसके साथ हम बात करेंगे एंड और ऑल फॉर्मूला क्यों यूज किया जाता है। इससे पहले क्लासेस में हमने आपके साथ बातचीत की थी कि इफ फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है और इफ फॉर्मूला का क्या क्या चीजें है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ फॉर्मूला में एंड और की जरूरत आखिर पड़ती क्यों है। तो इफ के साथ एंड और का उपयोग क्यों होता है, हम इस पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जनरली क्या करेंगे कि अगर आपको देना है कि ग्रेटर देन 50 है या नहीं है, तो आप इफ के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन 50 देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में आप देंगे ओके, अदरवाइज पेंडिंग, राइट। ठीक है, आपके सामने रिकॉर्ड आ गया। हाँ जी, इसके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे साथ है। लेकिन इसी को कंडीशन को मैं अगर कहता डबल कर दू, मतलब कि मैं कहता हूं कि मुझे 50 टू 80 को फाइंड आउट करना। अब यहां पे बिटवीन हो गया, तो यहां पे मुझे दो कंडीशन लगाने होंगे कि जो बी वन है, बी यहाँ पे एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, दो कंडीशन होगा। यहाँ जो बी वन है वो ग्रेटर देन 50 भी होना चाहिए और लेस देन 80 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ रहे हैं। तो दो कंडीशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे फॉर्मूला इफ के, तो जितने कंडीशन उतने इफ लगाने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ हो जाएगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन 50 है, और फिर यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगेगा, ध्यान से देखिएगा सर, इफ, और हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला लेस देन इक्वल टू 80। तो यहां पे ओके, अदरवाइज पेंडिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके दो पार्ट होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो यहां पे ओके होने के चांसेस एक ही बार है कि 50 से बड़ा और 80 से छोटा होगा तभी, लेकिन पेंडिंग के चांसेस दो बार है, क्योंकि दो इफ तो दो फॉल्स कंडीशन होंगे ना। तो यहां पे हम पेंडिंग दे देंगे। देखिए आप, तो ए इफ हुआ हमारा, इफ का एफ का पहला इफ हो गया आपका लॉजिकल टेस्ट, और टू पार्ट में ए आपका दूसरा इफ आ गया और फॉल्स पार्ट में पेंडिंग हो गया। सेम दूसरा इफ ये आपका कंडीशन, ऐसा हुआ तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग। सॉरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके। अब नीचे ड्रैग करते हैं। अब आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो यहां पे हम इसको बेटर करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है एंड का। एंड का फॉर्मूला क्या करता है कि उसके अंदर आप मोर देन वन कंडीशन दे सकते हैं। जैसे कि हम यहां पे दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगेन इसको सिलेक्ट किया और बोला लेस देन इक्वल टू 50। अगर दोनों में ऐसा है तो रिजल्ट यहां आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहां पे 80 होगा ना, रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स, और इसी ट्रू को मुझे ओके करना है। तो इससे आगे इसको हम इसके अंदर रख देंगे कि इफ अगर एंड ट्रू हुआ तो यहां पे ओके, अदरवाइज पेंडिंग। तो आपका जो इफ है वो ट्रू एंड फॉल्स पे चलता है, तो अगर एंड में रिजल्ट दिया ट्रू तो ओके दे देगा, अदरवाइज पेंडिंग। और एंड रिजल्ट ट्रू कब देगा, जब उसके अंदर भले सारे के सारे कंडीशन ट्रू होंगे तो, कोई फॉल्स ना होगा तो। तो सिप्तान जी, कोई दिक्कत इसमें? नहीं नहीं। अब ये थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। मैं यहां पे नेम डालता हूं, नेम और सब्जेक्ट डालता हूं, और यहां पे हम बात करने जा रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट अगर ग्रेटर देन 30 हुआ तो पास करना है, अदरवाइज फेल करना है। तो मैंने यहां पे बना दिया रिजल्ट का ऑप्शन, और रैन बिटवीन फॉर्मूले की मदद से मैं यहां पे कुछ रैंडम नंबर दे देता हूं। तो कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर देता हूं ताकि फॉर्मूला रिमूव हो जाए, बार बार चेंज ना हो।
तो जो ग्रेटर देन 30 है उसको पास करना है, अदरवाइज फेल करना है। तो यहां पे हम एंड का फॉर्मूला देंगे, क्योंकि एंड के अंदर में मोर देन वन दे सकते हैं। तो ये देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 30, इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30, इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल 30, अगेन इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो सारे कंडीशन वन बाय वन बाय वन मैंने इसमें दे दिया। अब अगर सारे कंडीशन ट्रू हुए तो यहां पे ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अब फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है, एक बार एवलेन फॉर्मूला पे जाइए और देखिए, देखिए ट्रू आ गया, फॉल्स ट्रू। तो इसको इसमें क्या हुआ कि इसको जो है एक फॉल्स मिल गया। तो एंड कहता है कि मुझे एक भी फॉल्स मिलेगा तो मैं रिजल्ट फॉल्स दूंगा, फॉल्स दिया। अब मुझे इस फॉल्स को पास और फेल बनाना है, तो इसके आगे हम इफ कंडीशन इस्तेमाल कर देंगे, इफ, और यहां पे पास और यहां पे फेल, और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। ये फॉर्मूला समझ में आ गया जी? चैन जी, हाँ जी समझ लग गई। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, मतलब कि मुझे ये भी दिखना है कि कौन सा सब्जेक्ट में फेल हुआ है। तो इफ आप एंड का जो है उपयोग वही पे कर सकते हैं जहां पे मल्टीपल कंडीशन हो बट रिजल्ट एक हो। मल्टीपल कंडीशन के साथ मल्टीपल रिजल्ट हो तो वहां पे एंड इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पे आपको नेस्टेड इफ करना होगा। एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरा इफ के अंदर तीसरा इफ, जैसे कि हमने यहां पे किया है कि एक इफ के अंदर हमने दूसरा इफ डाला हुआ है। लेकिन इसमें कितने कंडीशन है? चार कंडीशन है, इसमें चार इफ लगे। तो चलिए आपके सामने मैं चार इफ डालता हूं। यहां पे इफ हमने बोला कि अगर ए बी वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 तो सी वन को चेक करें, कंटिन्यूअस है। अगर बी वन पास हुआ तो सी वन को चेक करेगा, नहीं तो सीधे बाहर निकल जाएगा। सी वन को चेक करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 30, देन ओ बी वन को चेक करेगा 30। सर ये सेम ऑर्डर में चेक करता है? जी हाँ, वन बाय वन। देखिए सिंपल भी देखिए, पहला इफ चेक करेगा, अगर पहला इफ सक्सेस हुआ तो दूसरे इफ को देगा, दूसरा इफ सक्सेस हुआ तो तीसरे को देगा, तीसरा इफ सक्सेस हुआ तो चौथे को देगा, और चौथा इफ सक्सेस हुआ तो रिजल्ट देगा। क्योंकि हमने बताया आपको कि हर रिजल्ट हर इफ का दो पार्ट होता है, एक ट्रू पार्ट एक फॉल्स पार्ट। तो जो अभी हम इफ डाल रहे हैं हर इफ अब पहले इफ के ट्रू पार्ट में, तो जाहिर सी बात है जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब तक तो वो फॉरवर्ड नहीं करेगा। अगर फॉल्स हुआ तो सेंडिंग। आपने आखिरी की कंडीशन स्मॉलर देन कर दिया 30। अच्छा माफ कीजिएगा, ठीक है ठीक है, तो हमारा चौथा इफ अभी इसको कंप्लीट करना, हमारा चौथा इफ कंप्लीट हो गया। अच्छा एक सेकंड सर, हमें बताइएगा जब आप अभी यहाँ पे कर रहे हैं, अब आपने ये जो ओके और पेंडिंग लिखा है ये कौन से इफ से तल्लक रखता है, पहले से या चौथे से? चौथे से, जब चौथा इफ सक्सेस होगा तो यहाँ पे पास देगा, ओके पेंडिंग नहीं करना, पास और फेल करना है, सब्जेक्ट को फेल। अगर चौथा इफ चौथे इफ तक आ गया इसका मतलब है इससे पहले का इफ सक्सेस है, मतलब ट्रू है, मतलब कि पास, ठीक है ठीक है। हेलो मनाया कि सर इसको रिपीट कीजिएगा दोबारा। देखिए अगर चौथे इफ तक पहुंच जा रहा है इसका मतलब है कि बाकी के तीन जो इफ है वो ट्रू था, पास है, ग्रेटर देन 30 है तभी चौथे तक पहुंचा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा चौथा इफ कंप्लीट हो गया, हाँ जी, लॉजिकल टेस्ट ट्रू एंड फॉल्स। हम तीसरे इसमें बढ़ते हैं, तो तीसरा इसमें क्या है, लॉजिकल टेस्ट और ए ट्रू, इसमें फॉल्स पार्ट तो दिया ही नहीं मैंने, तो फिर आपको यहां फॉल्स देना पड़ेगा।
मतलब कि सब्जेक्ट थ्री से, आया समझा सर? ऐसे आपका सब्जेक्ट टू से, ये फेल होने के चांसेस चार बार है, पास होने के चांस एक बार, सब्जेक्ट वन से। अब यहां पे देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए, सिंपल सी बात देखिए, ये हमारा पहला इफ हुआ, पहले इफ के अंदर में हमने दूसरा लगाया, दूसरा के अंदर में हमने तीसरा लगाया, तीसरे के अंदर में चौथा लगाया। अब चौथे के बाद मेरा कोई है नहीं, तो यहीं पे मैंने इसको फिनिश कर दिया, रिजल्ट देखिए, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें हर इफ का दो पार्ट यूज करना है ना, तो चौथा इफ देख रहे हैं कंडीशन पास और फेल कंप्लीट है, बट तीसरा इफ के अंदर में तो लॉजिकल टेस्ट हो गया और ट्रू पार्ट तो चौथा इफ है ना, इसलिए हमें फेल देना पड़े। ऐसी ऐसी हमारा अगर तीसरा इसमें दूसरा इफ की बात करें, तो दूसरे इफ के ट्रू पार्ट में तीसरा और चौथा इफ है, ठीक है। इसी तरह से आप इफ को देखते जाइए और यहीं से ऊपर से क्लोज करते जाइए, सिंपल सा है कि पहले आप इफ देखते जाएं और फिर इसको क्लोज करते जाए, जैसे ब्रैकेट आप करते हैं ना, देखिए ब्रैकेट अगर आपने मैं पेन देता हूं, ब्रैकेट आपने दिया, ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन किया, चार ब्रैकेट ओपन किया, जब ए ब्रैकेट क्लोज करोगे तो इसका ब्रैकेट क्लोज होगा, इसका तो नहीं ना होगा, ए ब्रैकेट इसलिए क्लोज होगा ना, जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो इसका क्लोज हो जाएगा, जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो इसका क्लोज होगा, इसको क्लोज करूंगा तो इसका क्लोज होगा, ऐसे ही यहाँ पे इफ देते चले जाइए, इफ देते चले जाइए, इफ यहाँ पे दे दिए, अब यहाँ से इफ को फॉल्स देते चले जाइए, और सेम चीज हमने यहां भी किया है, देखेंगे तो हमने इसमें किया। यहां भी हम सेम करते हैं कि हम इफ देते गए, इफ देते गए, इफ देते गए, इफ देते गए, हमारा इफ हो गया, उसके बाद हमने अपना रिजल्ट दिया और फॉल्स के जरिए हम क्लोज करते चले गए, जैसे ब्रैकेट, ब्रैकेट को समझिए सर, हमने ब्रैकेट ओपन किया, हमने ब्रैकेट ओपन किया, हमने ब्रैकेट ओपन किया, हमने ब्रैकेट ओपन किया, फिर यहां पर हमने ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट क्लोज हुआ, एक किसका क्लोज हुआ, इसका क्लोज हुआ, ए वाली ब्रैकेट इसका क्लोज हुआ, जैसे कि यहाँ पे देखा गया है, आपको समझ में आ गया ना सर? जी सर, जी सर। हाँ, प्रैक्टिस की चीज है, ऐसे नहीं कि आपको तुरंत समझ में आएगा, बस इतन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि इसे सिंपल ही बनाया जा सकता था, जैसे कि हम साउंड इफ लगा देते हैं, देखिए सिंपल बनाया जा सकता है, सर ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक पहले आपने चार ब्रैकेट खोली हैं फिर चार ब्रैकेट बंद की हैं, ठीक है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक एक को खोला जाए, एक उसी ब्रैकेट को बंद, ब्रैकेट तो सर ऐसे है ना खुलेगा, ब्रैकेट तो इसके साथ खुलेगा ना, आप सुनिएगा, आप इस तरह से लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, ये तो इसके साथ आएगा ना कि इफ ब्रैकेट खुला, देन इफ देन ब्रैकेट खुला, तो मुझे दूसरा ब्रैकेट खोलने से पहले पहले इसका कंडीशन देना पड़ेगा ना कि बी टू greater than 50, then comma, then if, then bracket खुला, समझे? ठीक नहीं तो अच्छा, ये ऐसा possible आप नहीं सकता, एक साथ चार मत लीजिएगा, पहले दो कैसे किया था आपने, दो किया ना सर? हाँ जी, ऐसे दो कीजिए, फिर थ्री कीजिए, फिर फोर कीजिए, एक साथ चार मत लगाइए, ठीक है, देखिए मैं आपको वही सेम लगा के दिखाता हूँ, आपने इक्वल किया एक, हमने बोला अगर एक ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो यहाँ पे पास, 50 दिखाती है माफ कीजिए, हाँ 30 है तो यहाँ पे पास, अदरवाइज फेल, तो फेल में कौन सा सब्जेक्ट फेल है, तो सब्जेक्ट वन फेल होगा, यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट वन फेल, ये समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद दूसरा भी करना है, तो पहले वाले जो पास है इसको डिलीट कर दिया, अब इसके जगह पे एक और इफ लगाइए कि इफ सब्जेक्ट टू इज
greater than equal to 30 than 5, comma, is subject to sale. एक साथ लिखते चले जाइए, समझ गए सर? बैक टू क्लोज एंड करना है, ओके? उसके बाद मुझे तीसरा लगाना था, सिर्फ पास पास को डिलीट कीजिए और पास के जगह पे तीसरा इफ लगाइए कि इफ सब्जेक्ट 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 देन पास अदरवाइज फेल। फेल कौन सा? सब्जेक्ट 3। अब समझ में आया सर? ये बेटर है कि नहीं सर? हाँ जी, ये बेटर है पहले से? हाँ जी, ये ज्यादा क्लियर हो गया इससे। मैंने डायरेक्टर क्लोज नहीं किया। सॉरी, मैं इस लगाएंगे, मैं इस सोचता है किसा ही सोचता गया पास सेल, यहाँ पर बाइक क्लोज कर, एक साथ लिखते चले जाइए, बाइक क्लोज करते चले जाइए, ठीक है? हमारी सर, हम ये पास के कंडीशन को क्यों चेंज करते हैं, फेल के कंडीशन को क्यों नहीं चेंज करते हैं? क्योंकि हमारा जो कंडीशन है वो एंड का कंडीशन है। हम कहते हैं कि भाई सब्जेक्ट 3 तभी होगा जब सब्जेक्ट 2 पास होगा, बात समझे? अच्छा। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट 1 से ही फेल, इसका क्या कर रहा है कि अगर सब्जेक्ट 1 ही फेल है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट 1 ही फेल है तो बाकी के इफ को चेक ही नहीं कर रहा है, बाकी इफ चेक ही नहीं कर रहा है, इसको इग्नोर कर रहा है, समझे? ठीक है, लेकिन इसमें S4 भी तो फेल है। हाँ, तो लेकिन इसको पहले ही चेक कर लिया ना, आगे जा ही रहा है, मतलब क्या फेल है, तो एक ही सब्जेक्ट फेल है, उसने देखा कि एक भी फेल, सब फेल, तो आगे चेक करने का जरूरत, क्योंकि else पास तभी ना होगा जब else कब वर्क करे, ट्रू कब वर्क करेगा, ये जो आपका ट्रू पार्ट है कब वर्क करेगा, जब ट्रू होगा, जब ये ट्रू ही नहीं है ये वर्क ही नहीं करेगा ना। ठीक 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 ठीक, समझ गया ना? अब मोर देन वन सब्जेक्ट फेल है तो उसके लिए फिर दूसरा कंडीशन लगाना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, देन कॉन्केट करना पड़ेगा ना सर, वो सब लंबा प्रोसीजर है। राइट, इसको इस तरह से भी किया जा सकता है कि आप यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है काउंट इफ का, जी हाँ, काउंट इफ या काउंट इफ, काउंट इफ में आया और बोले कि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो ये रिजल्ट क्या देगा आपको, कितने हैं? अब इस पे इफ कंडीशन लगा दीजिए, इफ अगर काउंट इफ का रिजल्ट अगर इक्वल टू 4 है तो पास, अदरवाइज से, समझे? ये भी कर सकते हैं। तो एंड समझ में आ गया, एंड होता है रिक्वायर, मतलब कि जितने भी कंडीशन दीजिए सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए, सो एंड इज रिक्वायर। अब अगले क्रम में आते हैं, अब बात करते हैं और, जैसे मेरे पास सेम आईडी प्रूफ मुझे चेक करना है, नेम है पूजा रवि कजीता। अब यहां पे हम करते हैं कि पैन नंबर होना चाहिए, डीएल होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, यूआईडी होना चाहिए, और इसलिए एक वोटर भी देता है कि वोटर भी चल जाए। अब क्या है कि आईडी प्रूफ तो जरूरी नहीं है ना कि पूरा का पूरा होना चाहिए, एनी वन, अब जोड़े से एक ही दे, तो मान लो किसी ने जमा कर दिया, किसी ने जमा किया यहां पे, मान लीजिए पेन को जमा कर दिया और आधार जमा कर दिया, किसी ने सिर्फ पासपोर्ट को जमा कर दिया और किसी ने कुछ भी जमा नहीं किया, तब यहां पे कंडीशन यह है कि अगर एक भी वाई नहीं है तो हमें यहां पे पेंडिंग दिखाना है, अदरवाइज ओके दिखाना है। तो यहां हम एंड में इस्तेमाल नहीं कर सकते, एंड इस्तेमाल ना करने के पीछे रीजन क्या है?
क्योंकि इसमें हमारे पास च्वाइसेज है, ऑप्शनल है, मतलब कि कोई एक या एक से ज्यादा, कोई एक या